डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, जेटली बजट के बाद शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन में बाढ़ की रोकथाम को प्राथमिकता में नहीं रखा गया। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में 1.64 लाख करोड़ रुपए की 8000 से अधिक परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है, लेकिन बाढ़ पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। अमृत मिशन में मात्र जल निकासी की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया गया है, लेकिन वर्ष 2023 तक 1622 करोड़ रुपए की लागत वाली केवल 719 परियोजनाएं ही पूरी हुई हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ आती है, लेकिन खराब जल निकासी, उच्च स्तर पर गाद नदियों एवं जल निकायों के क्षेत्र में अतिक्रमण, तटीय शहरों में आर्द्र भूमि के विनाश और जंगलों की कटाई के कारण यह आपदा में तब्दील हो जाती है। जाहिर है, योजना और जल निकासी को सुचारू बनाए रखने और जल निकायों की सुरक्षा के लिए स्थलाकृत की सैटेलाइट इमेजिंग रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी खराब योजना को शहरी बाढ़ का कारण नहीं माना जाता, बल्कि प्रकृति को दोष दिया जाता है। हर साल बाढ़ आती है और लोगों को व्यवस्थागत सुस्ती की कीमत चुकानी पड़ती है। उम्मीदें इतनी कम हैं कि प्रशासनिक विफलता को सामान्य मान लिया गया है। हैरानी नहीं है कि हर बजट में कर प्रस्तावों पर आक्रोश पैदा होता है। लोगों से अधिक कर चुकाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम मिलता है। लोगों की हताशा की इन पंक्तियों में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त की गई है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? भारतीय शहर राजनीतिक उदासीनता और व्यवस्थागत अराजकता के बीच फंस गए हैं। आमतौर पर नीति बनाने का अधिकार और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। नीति तैयार करने का अधिकार केंद्र के पास है, जबकि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों पर होती है। ऐतिहासिक रूप से भारत के राजनीतिक दल ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि ग्रामीण भारत ज़्यादा वोट देता है। भारत में तेज शहरीकरण के चलते उम्मीद है 2050 तक शहरी आबादी में 40 करोड़ लोग और जुड़ेंगे। भारतीय शहर केवल 3% भूमि पर दखल रखते हैं, पर जीडीपी में 60% से ज़्यादा योगदान देते हैं। वर्ष 2024 के बजट में 9 प्राथमिकताओं में से एक शहरीकरण भी है, लेकिन विवरण का अभाव है। विनाशकारी बाढ़ को रोकने, संपर्क गलियारों के साथ नए विस्तार को सक्षम बनाने और नए हरित शहरों के लिए भारत को सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ एक बेहतर फंडिंग नीति की ज़रूरत है। शहरी अर्थव्यवस्था से मिलने वाले लाभ के कुछ हिस्से को शहरों में फिर से निवेश करने पर विचार किया जा सकता है। उन्नत अर्थव्यवस्था का दर्जा पाने की आकांक्षा राजनीतिक रुख और आर्थिक नीतियों की समीक्षा की मांग करती है।
आप लोगों को डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर बच्चों शब्द छूट जाए आप लोगों के तो आप दोबारा लिखें, एक बार में ना आए तो दूसरे बार लिखें। दैट्स ऑल।